कोरोना संक्रमण अब नुहू जिले के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिले में भी किसी की जान पर भारी नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग नुहू कोरोना बीमारी से ठीक हुए मरीजों का प्लाज्मा लेने की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर लौटे युवा पुरुष मरीजों के पास स्वास्थ्य विभाग नुहू के अधिकारी फोन कर उनको प्लाज्मा देने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि नुहू जिले में अब तक तकरीबन 350 लोग कोरोना बीमारी से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इनमें से 50 वर्ष की आयु से अधिक के पुरुष और महिला भी शामिल हैं, लेकिन इस पूरी सूची से 18 से 45 आयु वर्ग के तकरीबन 125 युवाओं को चयनित किया गया है, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगले 1-2 दिन में फोन करने वाले हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इन सभी लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए मोटिवेटेड किया जाएगा। उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि एक व्यक्ति से सिर्फ 200 ml प्लाज्मा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस प्लाज्मा से ज़्यादा गंभीर मरीज का इलाज किया जा सकेगा, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि जिले में व जिले से बाहर जहां भी किसी गंभीर मरीज को प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर इन लोगों से प्लाज्मा डोनेट कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना बीमारी का कारगर इलाज होने का दावा चिकित्सक करते आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में प्लाज्मा बैंक खोले जा चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी प्लाज्मा बैंक का इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी से लगातार जूझ रहे लोगों की या फिर मौत का आंकड़ा को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दिन रात मेहनत कर रहा है। उम्मीद है कि कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएंगे और कोरोना से मरने वाले लोगों को डॉक्टर बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। प्लाज्मा फेरेसिस की जो टेक्निक है, जो बहुत ही गंभीर मरीज हो जाते हैं कोविड-19 के, उनके वो जान बचाने के लिए काम में आती है। भारत सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाए हैं। एटलीस्ट जो ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेजेस के हैं, उनमें प्लाज्मा थेरेसिस का प्लांट हो, मशीन हो, सुविधा हो। तो हमारे ज़िले में भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे ये तैयारी शुरू कर दी गई है प्लाज्मा थेरेसिस के लिए। और प्लाज्मा उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो कोविड-19 के मरीज रहे हों और ठीक हो गए हैं। मेरे ज़िले में अब तक 348 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं, पर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल से 45 साल से ऊपर के हैं, जिनको कोई और तकलीफ़ रही है, साथ में महिलाएं हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने उनमें से 18 साल से लेकर 45 साल तक की एक लिस्ट तैयार की है, जो 125 लोग हैं जो ये स्वस्थ हैं। तो 125 लोगों को हम 5-5, 10-10 करके रोज़ फ़ोन करवाएंगे अपने यहाँ से, और इनको मोटिवेट करेंगे कि ये आएं और अपना ब्लड ग्रुप कराएं। तब भी कभी भी किसी भी भाई को या किसी भी मरीज को अपने ज़िले के या अपने प्रदेश के या किसी आसपास के ज़िले की ज़रूरत होगी, तो हम इनको ब्लड ग्रुप के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बैंक रहेगा प्लाज्मा का, और प्लाज्मा में हम पूरा ब्लड नहीं लेते हैं। जब हम ब्लड लेते हैं तो प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, बाकी वापस मशीन द्वारा साथ साथ में वापस दिया जा जाता है। इसमें लगभग 1.5 या 2 घंटे का प्रोसीजर होता है, और 200 ml से ज़्यादा नहीं लिया जाता है प्लाज्मा। तो इसकी ये नई नई टेक्निक है, नई नई तरकीब है, और इसके बारे में बहुत सारा अभी चला हुआ है, अंडर प्रोसेस है। हमारी जो प्रिपरेशन है कि जो 125 लोग हैं, इन सभी को बात करके मोटिवेट किया जाए और ये आएँ अपना ग्रुप और अपना जो भी रिकॉर्ड है, अपना फ़ोन नंबर, हमारे पास डिटेल पूरी है इनकी, ये हम ब्लड बैंक में अपना डाटा रखेंगे। तब भी कहीं आसपास किसी को गंभीर जो मरीज़ होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको फ़ोन करके वहाँ भेज सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए।